पलपल एमपी टॉप 10 प्रेजेंटेड बाय रचना आयुर्वेदिक चूर्ण और रचना मसाले। देवास के भाजपा कार्यालय पर भाजपा नेता भोजराज सिंह जादौन ने खुद पर कैरोसिन डालकर आत्महत्या करने का किया प्रयास। वार्ड क्रमांक 25 में तय किए गए पार्षद पद के उम्मीदवार को लेकर जताया विरोध। जबलपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में नामांकन फॉर्म न मिलने पर भड़के आम आदमी पार्टी के महापौर प्रत्याशी रईस वल्ली, कहा प्रदेश में 1,00,000 सदस्य छोड़ेंगे आम आदमी पार्टी। जम्मू में भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद हुआ छिंदवाड़ा का शहीद भारत यदुवंशी, शुक्रवार को रोहाना शंकरखेड़ा पहुंचा पार्थिव शरीर, शनिवार को राजकीय सम्मान के साथ दी मुखाग्नि। देवास के वार्ड क्रमांक 32 से पार्षद पद के लिए मैदान में उतरी निर्दलीय प्रत्याशी कंचन राय, पूर्व पार्षद मनोज राय की बहू का वार्ड के सभी लोग कर रहे सहयोग। जबलपुर के नेपियर टाउन स्थित एक होटल में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन। शहडोल में बारातियों को लेकर जा रही पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलटी, 5 की मौत। जयसिंगर के ढोलर गांव से देवलोंद जा रही थी बारात। सतना में बहुजन समाज पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशी पूर्व मंत्री सईद अहमद ने भरा नामांकन फॉर्म, पूर्व मंत्री के साथ पार्टी के अन्य कार्यकर्ता रहे उपस्थित। प्री मानसून में भीगा भोपाल, पारा 2.7 डिग्री तक गया। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकतर जिलों में जताई जा रही बारिश की आशंका। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय का कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स और हिस्ट्री डिपार्टमेंट बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। स्वीकृति मिलने पर 8 करोड़ रुपए की लागत से तीनों डिपार्टमेंट का किया जाएगा नवीनीकरण। में सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर आंदोलन कर रहे युवाओं ने रेलवे स्टेशन पर ही जमकर तोड़फोड़, पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने युवाओं को समझाइश देकर शांत कराया आंदोलन। फिलहाल के लिए इतना ही, अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। रचना आयुर्वेदा और रचना मसाला, जटिल बीमारियों का कराएं जड़ से इलाज, कैंसर से पीड़ित मरीज ना हो निराश। रचना आयुर्वेदा लाए हैं कैंसर से इलाज के लिए नायाब अर्बुद चूर्ण। संपर्क करें रचना आयुर्वेदा और रचना मसाला सतना, मोबाइल नंबर 9406732205। आप देख रहे हैं पल पल इंडिया न्यूज, हर पल आपके साथ।